जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपके घर पर चूहे हो और उनसे आप काफी ज्यादा परेशान हो और उन्हें मारने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा, ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाइएगा, क्योंकि आप जेल जा सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुछ ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक मुसलमान को चूहे मारने पर जेल भेज दिया है। दरअसल ऐसा हुआ, एक मुसलमान जिसकी बिरयानी की शॉप है, वो बिरयानी की शॉप बंद कर बाइक से हेलमेट लगाकर जा रहा था अपने घर की तरफ। जब ही एक चूहा उसकी बाइक के नीचे आ जाता है और चूहा मर जाता है। वीडियो कोई बना लेता है और वीडियो वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस उस मुसलमान को चूहे मारने पर जेल भेज देती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चूहे मारने पर भी जेल हो सकती है, यानी किसी इंसान को जेल भेजा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने एक मुसलमान को चूहे मारने पर जेल भेज दिया है। अब आप सोच रहे होंगे जो मार्केट के अंदर चूहे मार दवाई बेचते हैं, फिर तो उनको भी जेल में भेजना चाहिए। जो घर के अंदर चूहे मार दवाई रखते हैं, चूहे को मार देते हैं, पिंजरे में बंद कर लेते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं या कहीं फेंक देते हैं, उनको भी जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया है कि एक इंसान से गलती से चूहा मरने पर, वीडियो वायरल होने पर उसको जेल भेज दिया है। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो सुदर्शन न्यूज चैनल के पत्रकार सुरेश चौहान के ने भी ट्वीट किया। क्या लिखा देखिए स्क्रीन पर। नोएडा में एक चूहे को बाइक से कुचलकर मारने के आरोप में एक बिरयानी शॉप के मालिक जैनुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है, धन्यवाद यूपी पुलिस। यानी ये समर्थन कर रहा है यूपी पुलिस ने जो काम किया है कि एक चूहे को मारने के आरोप में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जैनुद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उसका ये शख्स गिरफ्तार कर रहा है। और इसको ये तो पत्रकार है ही नहीं है, किस तरीके से हिंदू मुसलमान वाली बातें करता है ये पता नहीं। मैं तो इसको मानता ही नहीं कि ये इंसान भी है, क्या है पता नहीं किस चीज से बना हुआ है, हमेशा ये हिंदू मुसलमान को बांटने वाली बातें करता है। वहीं दोस्तों जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की काफी ज्यादा बेइज्जती होने लगी। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास सिर्फ एक ही काम था कि उसको अपना बयान बदलना था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना बयान बदल दिया कि आखिर जैनुद्दीन की गिरफ्तारी चूहे के मारने पर नहीं हुई है, किस मामले पर हुई मैं आपको बताता हूं। कि थाना फेस 3 पुलिस द्वारा गश्त के दौरान पाया गया कि जैनुद्दीन मतलूब अहमद निवासी गली नंबर 5 ममूरा नोएडा अपनी बिरयानी की दुकान पर ग्राहकों से पैसे को लेकर आपदा फसाद हो रहा था आमदा फसाद हो रहा था जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जैनुद्दीन को समझाने का प्रयास किया गया, किंतु जैनुद्दीन उपरोक्त और अधिक उत्तेजित होकर आमदा फसाद करने लगा, जिस पर जैनुद्दीन को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीएस में गिरफ्तार कर चालान की कार्रवाई की गई है। उक्त गिरफ्तारी को सोशल मीडिया पर चूहे के प्रकरण से जोड़कर प्रसारित किया जा रहा है। कृपया चूहे से संबंधित वायरल वीडियो का इस गिरफ्तारी से कोई संबंध नहीं है। यानी पहले तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से चूहे के ऊपर कहा गया गिरफ्तारी हुई है, अब अपना बयान बदल दिया, कह दिया कि ये गिरफ्तारी 151 सीआरपीएफ के तहत हुई है। जब हम जहां पर जैनुद्दीन की बिरयानी की शॉप थी, पुलिस की गश्त के दौरान वहां पर कुछ झड़प हो रही, लोगों के बीच में कुछ आपसी झगड़ा हो रहा था, अभी हमने समझाने की कोशिश करी जैनुद्दीन को, पर जैनुद्दीन माना नहीं, तो फिर हमने कार्रवाई करी 151 सीआरपीएफ के तहत हमने जेल भेज दिया है। भाई दोस्तों फिर यूपी पुलिस के तीन बताए जा रहे हैं कि तीन बार बयान बदले गए यूपी पुलिस ने, एक और बयान बदला है। आखिर शुरू से लेकर शाम तक क्या बयान बदले वो मैं आपको बताता हूं। ये ट्रू स्टोरी नाम के ट्विटर हैंडल ने डाला स्क्रीन पर, देखिए पुलिस का फिर यू टर्न। सुबह कहा खान बिरयानी शॉप के मालिक जैनुद्दीन को चूहा मारने के आरोप में अरेस्ट किया। शाम कहा कि ट्रोल होने पर पुलिस ने कहा चूहा मारने में नहीं, झगड़े में सीआरपीएफ पीसी 151 अरेस्टिंग की है। वहीं फिर रात होते होते पुलिस ने सीआरपीसी 151 की कार्रवाई को भी गलत माना।
यानी पुलिस ने कहा कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, सीआरपीसी 151 के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सुबह में कहा कि चूहे के मारने पर गिरफ्तारी हुई है, शाम में कहा कि आपसी झगड़े पर सीआरपीसी 151 के तहत कार्रवाई की गई है, अब रात होते हुए कह दिया कि सीआरपीसी 151 के तहत भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस ही इतने बयान बदलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा बाबा जी, आप ही बता दीजिए। तो दोस्तों बस मैं आपको यही, इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि अगर आपके घर पर कोई भी चूहा हो और उससे परेशान हो तो परेशान होते रहिएगा, मारने की कोशिश मत करिएगा वरना आप तिहाड़ जेल जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आप क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।